आज आपके पास लॉग बुक को कैसे यूज करते हैं? कैलकुलेटर के यूज भी हम करते हैं, लेकिन लॉग बुक भी यूज करते हैं। अगर वो आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग, आपके पास जैसे यहाँ पे कहता है 3430 up to 3045, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए दो चीजें होती है, एक होती है करेक्टरिस्टिक, दूसरा होता है मैंटीसा। करेक्टरिस्टिक्स बेटा क्या होता है? करेक्टरिस्टिक वो होता है जो आप पहले सॉल्व कर चुके हैं, यानी आपके पास जो 3.1 में हमने कहा था कि जिसका डेसिमल पॉइंट ना हो उसका डेसिमल पॉइंट क्या होता है? लास्ट में। और जो लास्ट में आपके पास डेसिमल पॉइंट होता है तो इसे कहते हैं पोजीशन पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यानी जहां पे आपके पास डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना। और कितने डिजिट आप शिफ्ट करते हैं, यहां से यहां तक आपके पास कितने डिजिट शिफ्ट किए? 3। तो इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या हो गया? 3। करैक्टरिस्टिक आपके पास हो गया इसका 3। यानी अगर पॉजिटिव मूव करते हैं तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव मूव करते हैं तो नेगेटिव। दूसरी चीज आपके पास क्या होती है? मैंटीसा, इसे हम कहते हैं मैंटीसा। अब मैंटीसा के लिए क्या होता है? मैंटीसा जो हम यूज करते हैं उसके लिए हम लॉग बुक को यूज करते हैं। अब अगर गौर से देखें तो आपके पास ये टोटल जो डिजिट्स है वो कितने? 4। तो आपने यहाँ पे पहले 2 के बाद फिर उसके बाद 1 के बाद 30। लॉग बुक में जाएंगे 30 आपके पास यहाँ, ठीक है। अगर अगला डिजिट क्या है इसके बाद 30 के बाद? 4। तो गौर से देखें 1 2 3 4, 0 से लेके 0, 1 2 3 4, 30 के बाद ये 0 1 2 3 4। तो ये वाला नंबर लिखिए 4829। अब यहाँ पे आपने लिख दिया 4829, उसके बाद एक डिजिट और भी लिखा हुआ है 5, इसे कहते हैं डिफरेंस। अगर देखें आपके पास एक और कॉलम नंबर नजर आ रहा है, yes, sir. इसी में स्ट्रेट 5 के साथ ये नंबर है 484। क्या नंबर आ गया? 7। सो यू विल ऐड 7, तो इसमें क्या कर देंगे? प्लस 7। प्लस जब 7 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये डिफरेंस होता है, हमेशा ऐड किया जाता है, मीन डिफरेंस। जो थर्ड कॉलम वाला होगा ना, चौथा नंबर जो आपके पास होगा, वो हमेशा जो भी आंसर आएगा उसको आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और उसके बाद जब से आप ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4836। ये आपके पास डेसिमल पॉइंट होता है, क्योंकि मैंटीसा हमेशा आपके पास क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और हमारे पास डेसिमल पॉइंट होता है। अब इसकी पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी अगर आपसे पूछा जाए? 9 3 0 4 5। तो सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। करैक्टरिस्टिक्स इसका क्या है? 3 पॉइंट। आगे मैंटीसा, मैंटीसा क्या है? 4836। अब ये आप चेक करके देखें कैलकुलेटर के पे ये एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, और वैसे भी कैलकुलेटर पे आप प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट ही आपको ये वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अच्छा बेटा, जब कैलकुलेटर पे आप प्रेस करते हैं ना लॉग के बटन के साथ 3045, तो कैलकुलेटर आपको आंसर देता है 3.4835, आगे 8। तो यहां पे क्या दिया हुआ है? 6। इट मींस दैट अगला डिजिट आपने उसका क्या लेना है? राउंड ऑफ लेना है। जब आप कैलकुलेटर प्रेस करते हैं तो कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट आंसर बताता है क्या? मैं लिख के बताता हूं, 3. आपके पास 4836 35 है, 358, क्योंकि हमने 4 डिजिट लेने होते हैं। कितने डिजिट लेने होते हैं? 4। तो फिफ्थ डिजिट को आप देखें, अगर फिफ्थ डिजिट आपके पास क्या है? 5 या 5 से क्या है? ग्रेटर, तो राउंड अप हो जाएगा 6। तो राउंड अप हो क्या हो जाएगा? 6। तो ये चीज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? यस, कैलकुलेटर में ये डायरेक्ट आ जाती है, लेकिन जब आप इसको लेते हैं लॉग टेबल पे तो आपने ऐसे लेना, क्योंकि ये टेबल आपके पास बुक के लास्ट में दी हुई है और इसको हम इस तरह से यूज करते हैं। तो इसलिए मैंने आपके पास बताया, तरीका बता दूं। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक और सवाल लेते हैं, इसको आप बेशक लिख लें, वरना एक सवाल और देता हूं। ये समझ आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फिर एक्सप्लेन हो रहा है, ठीक है। सपोज से देता हूं मैं 1 2 3 पॉइंट आपके पास 4। सबसे पहली पहली बात है करैक्टरिस्टिक्स को हमने कहां लिखना है? आपना करैक्टरिस्टिक्स हमें कहां लिखना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड से जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद आपने करैक्टरिस्टिक्स का डेसिमल पॉइंट लगाना है, ठीक है।
ठीक है। तो इसकी अब इसका डेसिमल पॉइंट आपके पास दो डिजिट के बाद यहाँ है, तो आपने इसको यहाँ शिफ्ट करना है। तो कितने डिजिट शिफ्ट किया? टू। तो करेक्टिस्टिक इसका कितना आ जाएगा? टू। करेक्ट। उसके बाद जब करेक्टिस्टिक टू आ जाता है, तो फिर उसके बाद आपने पहले दो नंबर को काउंट करना है। मैट्रिक्स के लिए हमेशा क्या होता है? डेसिमल पॉइंट होता है, ठीक है। तो पहले दो डिजिट को देखना है। 12 किसमें चेक करेंगे हम? 3 में। इधर गए, 12, 0, 1, 2, 3, तो क्या आ रहा है आंसर? 0899। जी बेटा, स्टार्ट में है तो लास्ट में है, लास्ट में हो तो फिर ना लिखें बेशक। फिर उसके बाद चौथा डिजिट क्या है? चौथा डिजिट आपके पास दिया हुआ है 4। तो इस मीन डिफरेंस में 4 के आपके पास ये मीन डिफरेंस जा रहा है, ये आपके पास 4 में कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें? 14। तो इसमें आप क्या कर देंगे? प्लस 14 ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्या होगा सर? नहीं, 4 के अंदर हमने 4 है ना बेटा, 4 के अंदर देखिए 12 है। 12 को थर्ड में चेक किए तो यहाँ पे देखिए आपके पास 1, 2, 3, 4। मेरे पास तो यहाँ पे मुझे 14 दिखा रहा है, थोड़ा बहुत से देखें आपके पास यहाँ पे 14 है, ठीक है। 14 को ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 9 plus 4 13, फिर आपके पास 10 और एक 11, 9, जी आ जाएगा। ये उसका क्या हो गया? मैं तीसरा पूरी वैल्यू जब आप लिखेंगे तो पूरी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? तो ये आपके पास आ जाएगा 1, 2, आपके पास 3.4 का आंसर आ जाएगा 2.0913। Is that clear? Yes sir. इसे राइट कर लें, एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास सिर्फ ये दे दिया जाए 2, then how to solve? सर सिंपल इसका, क्योंकि ये तो स्टार्ट 10 से हो रहा है। सर वो वाला नहीं, log की टेबल स्टार्ट ही 10 से हो रही है, ऐसे है ना? और उसने सिर्फ आपको दे दी है find the value of log 2, तो फिर कैसे करेंगे? Calculator use करेंगे, calculator नहीं, तो टेबल अगर आपके पास है then how to use? बेटा हमें देखें, ये है 10 के बाद, तो हम क्या करेंगे? अगर उसने सिर्फ हमें 2 दे दिया है, 3 दे दिया है, 4 या 5 या 10 से less number दे दिया है, तो हम क्या करेंगे? अपनी तरफ से एक लगाएंगे डेसिमल पॉइंट और उसके पीछे क्या लगा देंगे? 0, 2 0। अब इसका करैक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? 2.0। क्योंकि डेसिमल पॉइंट होना कहाँ चाहिए था? सही है, यहीं पे होना चाहिए था ना, तो वही है, तो हमने नीचे डेसिमल पॉइंट को मूव ही नहीं किया, करेक्ट। दूसरे नंबर पे अगर आप देखो कि इन दो डिजिट्स को ये क्या बन जाता है? 20। 20 को किसमें चेक करेंगे? 0। 0, तो 20 को आपने 0 में चेक करना है, क्या आ जाएगा? 3010। तो आपके पास 0.3010 और log 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 0.3010। सर सिंपल सर, ये भी अगर इसी तरह से आपसे वो पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 3, आपके पास क्या आ जाएगा? 4। हम इसका रिवर्स प्रोसेस चलाते रहते हैं। रिवर्स प्रोसेस के अंदर क्या होता है? एंटी लॉग। एंटी लॉग के अंदर भी सेम यही काम किया जाता है। एंटी लॉग के अंदर आपने क्या होता है, पहले दो वैल्यूज को चेक करने किस कॉलम के साथ है, ठीक है, और आगे उसके डिफरेंस भी उसके अंदर क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस। तो वो एंटी लॉग की टेबल लॉग के बाद आती है। अगर आप बुक के लास्ट में देखें, पहले लॉग, दो पेज लॉग के, इसके बाद आगे ऊपर टॉप पे लिखा होगा एंटी लॉग, लिखा हुआ ना, तो एंटी लॉग का भी जब यूज करना होगा तब आपको बताऊंगा एंटी लॉग यूज कैसे करते हैं, टेबल का यूज उसका भी ऐसे ही। Hope all of you that how to use this table. Clear हो गया? Yes sir. Sir, अगर 5 digits हो तो? बेटा आपके पास 5 digits कभी नहीं देता वो। 5 digits यूं देता है।
किस तरह से देता है मैं आपको बता देता हूँ कि फाइव डिजिट्स आपके पास आते हैं, सॉरी कीप बैक माय वर्ड्स, कि अगर फाइव डिजिट्स हमें फोर तक ही जाना होता है, फाइव डिजिट्स आपके पास किस तरह से आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो यूँ आ जाते हैं 0.004567 ये आ गए। अब ये आपके पास फोर से ज्यादा सिक्स डिजिट है। सबसे पहले पहले हमें क्या करना है, इसके करैक्टरिस्टिक्स का बताओ क्या है। -3 क्योंकि डेसिमल पॉइंट होना चाहिए बेटा इस जगह, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट यहां से यहां शिफ्ट हुआ, हाउ मेनी डिजिट्स, 3 बट लेफ्ट टू राइट, तो करैक्टरिस्टिक आपके पास होगा -3 और -3 का करैक्टरिस्टिक के ऊपर नेगेटिव साइन का भी यहां यूज हो गया जाता है। स्टार नहीं लगा सर, अगर साइड में लगा तो साइड में लगा तो आपको दर्द नहीं लगेगा। जब हम उसको स्टार्ट करके लिख रहे होते हैं ना तो ऊपर लगाते हैं, वजह ये है कि मेंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो करैक्टरिस्टिक्स का जो होता है वो हम उसके टॉप पे लिखते हैं, ठीक है। मेंटिसा के लिए हम किसको कहां चेक करेंगे सर? लॉग लॉग बुक में किस किस जगह चेक करेंगे ये बताइए। 45 को किसको चेक करेंगे? 6 का आराम पे डिफरेंस 7। अब 45 मेरे पास यहां इस टेबल के अंदर थोड़ा सा मुझे सर 45 6 के टेबल में आ गया 6590। देखें ये 45 0 1 2 3, अगर चेक किया करो ऊपर से बंद देखा करो, यहां से 45 उसके बाद पहला कॉलम क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 6590 आ रहा है। फिर उसके बाद डिफरेंस में किसमें 7, ये 6 है और 7 में क्या आ रहा है 7, तो इसमें क्या कर देंगे बेटा हम प्लस 7 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.6597 और लॉग टोटल जब मालूम हो जाएगा वो हमारे पास 3.6597। मेरे ख्याल से अब आप लोग क्लियर हो चुका होगा कि हाउ टू यूज द लॉग बुक, ठीक है। ये तो लॉग बुक यूज करने का तरीका कैलकुलेटर में जब आप करेंगे वो डायरेक्टली लिखेंगे, कैलकुलेटर का यूज करने का तरीका भी आपको साथ साथ में बता दूंगा, ठीक है। लॉग बुक का यूज करने का तरीका बदल गया। यस ओके राइट दिस वन।